हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्यू मैथ्स और इस वीडियो में हम क्लास सेवंथ का चैप्टर टू विच इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास सिक्स से लेके क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस चैनल पर मिलने वाला है सो so, अगर आप सिक्स से लेकर टेंथ तक के स्टूडेंट हैं या फिर आप उनके पेरेंट्स हैं आपको क्वेश्चन uh, जानने हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल तो आप सब्सक्राइब करके कोई भी वीडियो किसी भी वक्त देख सकते हैं सो लेट्स द वीडियो। नाउ दीडियो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस फाइव सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर सी मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी अच्छे से ये समझाया था कि यूनिट्स कैसे कैसे कन्वर्ट की जाती हैं और यूनिट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक पेस्ट करके दे दूंगी ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो जिसमें हम इजीली यूनिट्स को याद कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे करना है उसको मिलीमीटर में कैसे करना है ये सब प्रोसेस पूरा बहुत सिंपल तरीका है एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे तो वो वीडियो देख लीजिए उसके बाद अगर वो अगर वो ऑलरेडी देख ली है तो इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं तो हमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है उसके बाद हमें उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि 1 मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर ठीक है एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो फाइव सेंटीमीटर कितने मीटर में होंगे देखिए दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके में क्या कि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर है और हमें पूछा जाता कि पांच मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे उस केस में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कैसे मान लीजिए मैं आपको एक पेंसिल देती हूँ और वो पेंसिल एक पेंसिल दो रुपए की है एक पेंसिल दो रुपए की है और मैं आपको बोलती हूँ आपने पांच पेंसिल खरीदी है तो वो कितने रुपीज़ की होंगी तो टू इंटू फाइव इज टेन टेन रुपीज़ की होंगी उसी तरीके से या तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन ये होती है कि एक एक रुपए या एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर है तो फाइव मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे मल्टीप्लाई करोगे 500. दूसरी चीज मैं आपको अगर ये बोलूं कि एक पेंसिल जो है वो दो रुपए की है एक पेंसिल दो रुपए की है और आपने मुझे दस रुपए दिए हैं तो आपके पास कितनी पेंसिल्स गई मतलब मैंने आपको कितनी पेंसिल्स दी तो आप उसमें यह देखोगे कि दस रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी यदि एक पेंसिल दो रुपए की है उस केस में आप क्या करोगे डिवाइड करोगे क्या करोगे डिवाइड टेन को फाइव से ऑब्वियसली डिवाइड सॉरी टेन को टू से डिवाइड करोगे क्योंकि दस रुपए आपने टोटल दिए हैं एक पेंसिल दो रुपए की है तो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट फाइव यानी कि आपके पास फाइव पेंसिल आई उसी तरीके से एक मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर हैं तो कितने मीटर में 5 सेंटीमीटर बनेंगे तो इस केस में आप क्या करोगे इसको डिवाइड किसको 5 को 100 से डिवाइड करोगे और ये डिवीजन आपको फ्रैक्शन का मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि डेसिमल्स वगैरह कैसे फॉर्म करने होते हैं देखो 5 है 5 लिख दीजिए एज इट इज नीचे कितने जीरो हैं दो जीरो तो आप एक काम कीजिए दो डिजिट के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे यदि दो जीरो हैं तो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट आनी चाहिए दो जीरो दो डिजिट तो सिर्फ फाइव को तो यहाँ लिख दिया जाएगा फिर उसके बाद अब ये तो फाइव अगर सिंगल होता तो ये एक डिजिट होती तो इसलिए हमने दो बनाने के लिए उसमें ज़ीरो को ऐड कर दिया और उससे पहले लगा दिया डेसिमल तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर क्लियर हुआ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर अब आते हैं कि हमें 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो सबसे पहले क्या होगा देखो या तो आप डायरेक्टली मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सीधा सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए वो कैसे करेंगे देखिए एक किलोमीटर के अंदर थाउजेंड मीटर होते हैं ये आपको मालूम है और एक मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ये भी आपको मालूम है तो एक किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे हमने मीटर का केस हटा देना है हमें एक किलोमीटर में सेंटीमीटर देखने हैं क्योंकि हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें यह देखना होगा कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो उसका बेस्ट तरीका क्या है आप पहले किलोमीटर से मीटर लिखिए कितने होते हैं एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर उसके बाद एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो लिख दीजिए और फिर एक किलोमीटर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए थाउजेंड को और हंड्रेड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी आपकी ये टर्म तो एक लाख सेंटीमीटर वन लाख सेंटीमीटर एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन लाख सेंटीमीटर तो उसका आंसर अब देखो एक किलोमीटर में वन लाख सेंटीमीटर आ गए क्लियर है तो आपको क्या करना है कितने किलोमीटर में फाइव सेंटीमीटर होगा तो आपको क्या करना है फाइव से डिवाइड करना है इसको वन लाख को अब नीचे काउंट करो कितनी हैं हाउ मेनी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव लिखिए ये वाला उसके बाद वन टू थ्री फोर और फिर डेसिमल। क्योंकि हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए पांच डिजिट डेसिमल के बाद वन टू थ्री फोर फाइव आ गई यहाँ पे कितनी डेसिमल्स आ गई फाइव डेसिमल्स तो ये हुआ कि किलो वन uh, कितने किलोमीटर के अंदर हमारा फाइव सेंटीमीटर यानी कि हमने फाइव सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला तो आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव किलोमीटर और फाइव सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो यू विल गेट 0.05 मीटर आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर अभी भी यूनिट्स में थोड़ी बहुत भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को जरूर देखिए उसमें आपको सारी यूनिट्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ गए सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट जो है वो भी कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर ही है बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस 35 फाइव मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर तो सबसे पहले 35 फाइव मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो हमें सबसे पहले क्या करना है 35 फाइव मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर 10 मिलीमीटर mm, ठीक है यानी कि एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर mm होते हैं तो अब देखना यह है कि कितने सेंटीमीटर के अंदर 35 मिलीमीटर mm होंगे यानी कि कितने सेंटीमीटर में ये आएगा तो हमें क्या करना है इसको 10 से डिवाइड अब देखिए 35 है तो आप इसको यहां लिख दीजिए नीचे जीरो कितनी है सिर्फ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसीमल लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर यानी कि जब हम 35 मिलीमीटर mm को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो आपका आंसर अच्छा आएगा 3.5 सेंटीमीटर अब हमें नेक्स्ट पार्ट में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में हमने कर लिया नाउ हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखिए वन मीटर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर mm होते हैं टेन मिलीमीटर mm. तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर हुए एक मीटर में कितने मिलीमीटर हुए क्या करना है उसके लिए हमें हंड्रेड को टेन से मल्टीप्लाई जितनी भी जीरोज आएंगी एक मीटर में उतने मिलीमीटर होते हैं यानी कि एक मीटर में थाउजेंड मिलीमीटर हुए अब जब एक मीटर में थाउजेंड मिलीमीटर हैं तो कितने मीटर के अंदर थर्टी फाइव मिलीमीटर होंगे क्या करोगे थर्टी फाइव को थाउजेंड से डिवाइड तो आप पहले थर्टी फाइव लिख लीजिए आप देखिए नीचे तीन जीरो हैं यानी कि डेसिमल के बाद तीन डिजिट होनी जरूरी है एक दो एक और चाहिए तो हमने उससे पहले उसमें जीरो लगा दिया तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव यानी कि तीन डिजिट है तीन जीरो हैं तो डेसिमल के बाद तीन डिजिट और आंसर आएगा आपका मीटर में क्लियर हुआ यानी कि आपको जब भी ऐसे टर्म बड़ी टर्म से बहुत छोटी टर्म में करना है तो सिर्फ ये चीज करनी है पहले मीटर से सेंटीमीटर में देखो फिर सेंटीमीटर से देखो कि मिलीमीटर कितने हैं फिर जितनी भी हंड्रेड टेन वो डिजिट आती है उनको मल्टीप्लाई कर दो एक मीटर में उतने मिलीमीटर होते हैं नाव अब आता है किलोमीटर इससे भी बड़ी टर्म तो किलोमीटर के लिए देखिए क्या करना है आप जानते हैं कि एक किलोमीटर के अंदर थाउजेंड मीटर होते हैं ठीक है अब मीटर देखते हैं एक मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ये भी आप जानते हैं अब सेंटीमीटर को देखते हैं एक सेंटीमीटर के अंदर टेन मिलीमीटर होते हैं अब देखो किलोमीटर किलोमीटर से मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए हमें इतनी जीरोस चाहिए यानी कि पहले किलोमीटर को मीटर में बदलोगे फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे ये सबसे इजीएस्ट वे रहता है क्योंकि आपको ये टर्म्स मालूम है कि वन किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है और वन सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर तो ये आपको अच्छे से मालूम है तो अब कितने हुए एक किलोमीटर के अंदर थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास टेन लाख मिलीमीटर तो वन किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हुए टेन लाख मिलीमीटर अब थर्टी फाइव मिलीमीटर देखना है हमें तो तो हम क्या करेंगे थर्टी फाइव मिलीमीटर को डिवाइड कर देंगे टेन लाख से ठीक है कितनी जीरोस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थर्टी फाइव लिख दीजिए और हमें तो कितने डिजिट बनानी है सिक्स डिजिट बनानी है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और पॉइंट लगा के ज़ीरो तो हमारा आंसर क्या हुआ जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो 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 थ्री थी फाइव किलोमीटर क्लियर हुआ बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेस में आपको डिनोमिनेटर में देखना है कितनी जीरोज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली डेसिमल लगाओगे जितनी जीरोज़ हैं डेसिमल के बाद उतनी डिजिट होना ज़रूरी है चाहे ऊपर कितनी भी डिजिट हो ठीक है अगर दो हैं और आपको छह डिजिट चाहिए थी तो हमने छः बनाने के लिए ज़ीरो 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 लगा दिया और इस तरीके से हम इन यूनिट्स को चेंज करते हैं और मैं आपको प्रेफ़र करूंगी कि वो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है वो ज़रूर देखिए क्योंकि उससे आपको यूनिट समझ आ जाएंगे कि किसके बाद कौन सी यूनिट आती है और वो बहुत ईजी तरीके से है एक जैसे राइमिंग एक राइमिंग होती है किसी भी चीज़ की या एक पोम काइंड ऑफ होता है तो आप वो देखिए आपको उससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा और ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक like करना ना भूलें और इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि अब इस पीरियड ऑफ टाइम में जिसको भी ज़रूरत है मैथ्स के क्वेश्चन की उन तक ये वीडियो पहुँच पाएँ सो दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो का डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू